हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीन ऑसम मम्मी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई एम यूजिंग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड ऑन माय फेस। दिस इज माय वीकली रूटीन। और जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एएचए, बीएचए और पीएचए वाले प्रोडक्ट होंगे, तो मैं अभी उसे यूज़ नहीं करती हूँ अपने स्किन पे, बिकॉज मुझे अभी भी डर लगता है अपनी स्किन पे उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, जो भी EHA और BHA वाले प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक रूटीन भी तैयार कर रखी है, जो मेरी वीकली रूटीन है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। फिलहाल जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूँ कि जो मेरी स्किन है वो सुबह सुबह ड्राई है और अराउंड माई माउथ सेंसिटिव भी है और फ्लेकी भी हो जाती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे स्किन टाइप के लोग हैं जो अपने स्किन पे इन सब चीज़ों को, रेटिनॉल और विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट होने के कारण वो लगाना छोड़ दिया है या किसी रिएक्शन के डर से वो इस्तेमाल करने से अभी बच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको खुद के तरीके को बताऊँगी कि मैं कैसे अपने स्किन पे ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये प्रोडक्ट जितने फैसिनेटिंग लगते हैं देखने और सुनने में, और इनके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से और सही ऑर्डर में इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपकी स्किन को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक वीकली रूटीन भी तैयार कर रखा है, जिसे मैं आपको समझा सकूं कि मैं कैसे अपने स्किन पे इन सारी चीज़ों को सेफली यूज़ कर रही हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि मैंने अपनी स्किन पे विटामिन ए यानी रेटिनॉल के भी एडवर्स इफेक्ट देखे हैं, विटामिन सी के भी देखे हैं, और उसके बाद मैंने भी लगाना छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से मैंने इसे जनवरी से कंटिन्यू किया है और इसका मुझे फ़ायदा भी मिला है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को जानना जरूरी है कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, और किसी भी इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से पहले, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और फिलहाल जो भी मैं बताऊँगी वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी और कैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और मुझे कोई भी नुकसान अभी तक फिलहाल नहीं पहुँचा है। तो कुछ मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ और क्यों। तो ये है नेट्रोजेना का रैपिड रिंकल रिपेयर मॉइस्चराइज़र, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और रेटिनॉल का जो माइल्ड फॉर्म इसमें है, 0.3% इसमें रेटिनॉल है, हालांकि इसके पैकेट पे नहीं लिखा हुआ है। इसकी डिटेल में रिव्यू मैंने एक पिछली वीडियो में डाली है, तो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये बेसिकली स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी के लिए क्लियर्स का फ्रेशली जूस विटामिन ड्रॉप, और इसमें 5% एल-एस्कॉर्बिक एसिड है, जो काफ़ी माइल्ड है, और इसमें सेंटेला एसियाटिका भी है, जो आपकी स्किन को सूट करता है, तो इरिटेशन नहीं होने देता। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सीरम है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे इस सीरम से, तो ये मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ रेटिनॉल के साथ, मैंने मिलिस्ट का हाइलुरोनिक एसिड 2% B5 यानी इसमें 1% है। ये इसका काम क्या है कि ये अगर रेटिनॉल आप इसे लगा रहे हैं, तो रेटिनॉल के पहले अगर आप इसे लगाएंगे तो ये आपके स्किन को सूट करेगा और रेटिनॉल से होने वाले इरिटेशन से आपको ये बचाएगा। ये काम डाउन करता है और रेटिनॉल के लिए आपके स्किन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है, और इसे इसलिए जो है 1% ही है, तो ये सूट करने का काम भी करेगा और मेरी स्किन को ज़्यादा डिहाइड्रेट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम की ऑयल है, फेस ऑयल है। अगर मैं ये यूज़ नहीं करती तो मैं घर पे ही DIY ऑयल बनाती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये ड्राई स्किन के लिए एक बूंद जैसा है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है ड्राई स्किन पे। इस बॉटल में मैंने वाटर को लिया है, ये
एरोमा मैजिक की बॉटल है, इसमें मैंने वाटर को लिया है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है। इसकी जो पीएच बैलेंस है वो 6 पीएच की ये वाटर है। मैं जानती हूँ कि ये सबके लिए अवेलेबल कर पाना मुश्किल है 6 पीएच का वाटर। इसे मैं हाइलुरोनिक एसिड से पहले अपने स्किन पे स्प्रे करती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है इस तरीके का पानी या फिर मिनरल वाटर आपके पास नहीं अवेलेबल हो सकता है, तो आप एक सूदिंग टोनर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल फ्री हो, किसी भी आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्रेग्रेंसी फ्री हो। आप उसकी जगह पे रोसिव स्किन टोनर ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है, 140 रुपीज़ का ये आता है और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है और ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आप वाटर की जगह पे इसे भी अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी आप अपनी पसंद का कोई भी टोनर ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छे टोनर हो और आपको जो पसंद हो। नेक्स्ट मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ ये हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र है और इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है और जब टेक्सचर थिक होता है तो वो आपकी स्किन पे जाके बस बैठ जाता है, आपकी स्किन पे पेनिट्रेट नहीं हो पाता अच्छे से। फिलहाल मुझे ये उतना पसंद नहीं आ रहा है, हालांकि इसने मेरी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, बट मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र मैं लूँ। नेक्स्ट मैंने मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सीरम लिया है, डर्माडॉक का ये है और ये काफ़ी सस्ता आता है। इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये मैं डाल दूँगी कहीं स्क्रीन पे तो आप देख लेना। और क्योंकि आई क्रीम पे फिलहाल मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अंडर आई की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको क्रीम से ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल और जो भी आप खाते पीते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आपके स्लीपिंग हैबिट पर डिपेंड करते हैं। तो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट जो मैं आगे आपको वीडियो में जब सारे प्रोसीजर को बताऊंगी कि कैसे यूज़ करती हूँ तो ये सारे ही प्रोडक्ट होंगे। और तो अगर आपकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है तो आप अपने स्किन पे रेटिनॉल चूज़ करते टाइम 0.5% से कम वाले ही रेटिनॉल लगाएं। 0.1% वाले आप चूज़ कर सकते हैं, 0.2 वाले चूज़ कर सकते हैं या 0.3% वाले चूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फ़िलहाल अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं शुरुआत करें। आपने अगर रेटिनॉल लगाने का सोचा है, यूज़ करना चाहते हैं, पहली बार स्किन को रेटिनॉल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप वीक में उसे एक दिन ही लगाएंगे। और ध्यान रहे, जिस दिन आप रेटिनॉल लगाते हैं, यानी लेट्स सपोज कि आपने संडे का दिन चूज किया है रेटिनॉल के लिए, तो संडे की सुबह को आपको कोई भी विटामिन सी सीरम या फिर एएचए बीएचए एंड पीएचए वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं। आप क्या क्या लगा सकते हैं, तो वो हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं, एसपीएफ लगा सकते हैं यानी एक अच्छा सनस्क्रीन लगा सकते हैं, नायासिनामाइड लगा सकते हैं और मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, यानी जो आपकी स्किन को सूद करे, काम करे। कोई भी फेशियल ऑयल लगा सकते हैं जिसमें केमिकल ना हो, तो आप ये लगा सकते हैं। संडे के एक दिन पहले यानी सैटरडे वाले नाइट को भी आप बस विटामिन सी वाले सीरम लगा सकते हैं, एएचए बीएचए एनपीएचए वाले प्रोडक्ट नहीं लगाएं, क्योंकि उसके एक दिन बाद आप रेटिनॉल जब यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि 24 घंटे का ज़्यादा टाइम मैं दूँ जिस दिन मैं रेटिनॉल लगाती हूँ, तो एएचए एनपीएचए वाले प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। और संडे के बाद जो मंडे वाली सुबह आती है उसमें यानी संडे की नाइट को आपने रेटिनॉल लगाया और नेक्स्ट डे सुबह जब आप उठेंगे तो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे, जो आपकी स्किन को सूद करे, काम करे, उस तरीके के प्रोडक्ट लगाएंगे। और ये आपको कंटिन्यू करना है 1 मंथ तक कंटिन्यू आप करेंगे, जिसे आप वीक में एक ही बार अपने स्किन पे रेटिनॉल लगाएंगे और उसकी परसेंटेज भी काफ़ी कम रखेंगे और ट्राई करेंगे कि जो रेटिनॉल है उसके साथ हाइलुरोनिक एसिड और कुछ भी मॉइस्चराइजर वाले इंग्रेडिएंट आपके सीरम में हो। तो नेक्स्ट जब 1 मंथ बाद जो मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो वीक में 2 दिनों का मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रूटीन बना के रखा हुआ है। तो ये है मेरा रूटीन जो मैं अभी फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। वीक में 2 दिन यानी संडे अगर मैं रेटिनॉल लगाती हूँ तो
कोशिश करती हूँ कि गैप जो रखूँ मैं बराबर बराबर रखूँ, लेकिन वीक में 7 डेज ही होते हैं, तो ये इसमें मैं 3 डे का गैप रखती हूँ। संडे के बाद मैं थर्सडे को रेटिनॉल अप्लाई करती हूँ। और आप ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड को, तो मैंने यहाँ पे AM, ये मेरी सुबह वाली रूटीन है और ये PM यानी नाइट वाली रूटीन है। आप देख रहे हैं कि जो संडे रेटिनॉल डे है उससे एक दिन पहले जो सैटरडे आता है उस दिन भी मैं AHA BHA PHA वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हूँ, यानी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करती हूँ। और इन सारे केमिकल से तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एक दिन पहले। और जिस दिन आप रेटिनॉल लगा रहे हैं उस दिन AHA BHA PHA वाले प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल ना है, और आप साथ में विटामिन सी वाले सीरम भी नहीं लगाएंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी जो विटामिन सी की परसेंटेज है वो काफ़ी आप कम रखेंगे। और रेटिनॉल जिस रात को आप यूज़ करेंगे उस दिन आप सूदिंग टोनर अप्लाई कर सकते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड प्लस नायसिनामाइड B5 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक मॉइस्चराइजर की लेयर पतली सी बनाएंगे, उसके बाद रेटिनॉल इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल से उसे सिक्योर करेंगे। मैं रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे रेटिनॉल वाले डे के बाद जो मंडे आता है उस दिन आपको AHA BHA PHA और विटामिन सी वाले सीरम को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद ये तुरंत सुबह हो जाती है। तो इस दिन भी आप जो सूदिंग चीज़ है अपने स्किन को वो देंगे। ब्लू में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपको लगानी है, और रेड से मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपको नहीं यूज़ करनी है। तो ये बोर्ड का मैं पिक्चर लगा दूँगी जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके बाद 2 दिनों का गैप मिलता है आपकी स्किन को, तो आप उस दिन विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, SPF टोनर जो भी इसमें लिखा हुआ है आप ध्यान से देख लेना कि आप लगा सकते हैं। और उसके बाद और नेक्स्ट जो थर्सडे जो रेटिनॉल वाली डे है वो सेम संडे जैसा ही रहेगा, आप जो भी रूटीन फॉलो करेंगे इस दिन जैसा ही करेंगे। ऑलराइट, तो ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेशन कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिनॉल को और मैं कैसे इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ रेटिनॉल को। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप रेटिनॉल जिस दिन लगाएंगे वो आपको लगाने का सही ऑर्डर क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेटिनॉल लगाने वाले दिन आपको सही ऑर्डर क्या होगा क्रीम और ऑयल और सारी चीज़ें लगाने का। वीडियो साथ में चलेगी, आप देखते रहना। पहले आप अपने फेस को अच्छे से तरीके से क्लीन कर लेंगे, और क्लीन फेस पे तुरंत ही आप वाटर लेंगे और अपने स्किन पे स्प्रे करेंगे। वाटर नहीं है तो आप कोई भी सूदिंग टोनर ले सकते हैं। स्प्रे करने के बाद जो हाइलुरोनिक एसिड और नायसिनामाइड वाले जो प्रोडक्ट है इसको आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, ये बस 2 ड्रॉप में आपका हो जाएगा और ये काफ़ी दिन तक आपका चलेगा अगर आप इसे परचेज करते हैं तो। और आप ऑर्डिनरी का खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आप कहाँ से ओरिजिनल ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। फिलहाल मैंने मेरे पास मिनिमलिस्ट का है, ये भी अच्छा है। हाइलुरोनिक एसिड को आप अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इसे आप 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का टाइम देंगे, ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और ये अंदर आपकी स्किन जो है वो सोख लेगी इस चीज़ को। और ये तो जब ये आपकी स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, सूख जाएगा, अपनी फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो मैं ये ले रही हूँ इसकी आप हल्की सी परत अपनी स्किन पे बनाएंगे, और इसको लगाने के बाद आप वाटर स्प्रे करेंगे, क्योंकि एक ये हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र है तो मैं चाहती हूँ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइलुरोनिक एसिड के वो वाटर के साथ आपकी स्किन में सोक करें, वाटर को होल्ड करके सोक करें। इसलिए मैं फिर से एक बार वाटर को अपनी स्किन पे स्प्रे कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो मॉइस्चराइज़र है और सीरम आपने लगा लिया हाइलुरोनिक एसिड वाले और हाइलुरोनिक जो मॉइस्चराइज़र है वो सारे स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, तब आपकी बारी आती है रेटिनॉल लगाने की। और रेटिनॉल लगाने का जो तरीका है वो ये कि आप लिप्स के एकदम नज़दीक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और आई के यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे और नोज़ के एकदम पास में भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। तो रेटिनॉल इस तरीके से आपको लगाना है अपने स्किन पर, और इसे पूरी तरीके से ड्राई फेस पे ही लगाना है। ध्यान रहे जो पहले जो आपने सारी चीज़ें लगाई हैं वो अच्छी तरीके से सूखने के बाद ही आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करेंगे। और
उसके बाद जब रेटिनॉल अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब आप फिर से एक मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लगाएंगे, या फिर आप कोई भी फेस ऑयल लगा सकते हैं। फेस ऑयल मैं प्लम का यूज़ कर रही हूँ अभी, और या आप चाहें तो आप अपने स्किन केयर में आई क्रीम को भी शामिल कर सकते हैं, तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा तरीका कि आप कैसे अपने स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाए रखेंगे। रेटिनॉल लगाने के बाद भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील नहीं करेगी। हो सकता है आपको लगे कि ये इस तरीके से लगाने से तो रेटिनॉल की बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि जो रेटिनॉल को लगाने का तरीका है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन पे, वो सैंडविच मेथड के जरिए ही लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सबसे ज़रूरी है इन सब चीज़ों को अपनी स्किन से इंट्रोड्यूस कराना, वो भी सेफली। तो सबसे सेफेस्ट जो तरीका है मैंने आपसे डिस्कस किया है, और ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन को तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये थे मेरे तरीके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे घर पे एचए बीएचए वाले प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, कुछ होममेड इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि मैं अभी भी उन सब सारी चीज़ों को अपने फेस पे लगाने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं रिएक्शन होगा या फिर क्या होगा। तो आप भी अगर चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।